This video is sponsored by V-Card. All right, मलूकनागर मलूकनागर साहब, मुझे बताइए क्या वाकई अब ये विश्लेषण जो है ये प्रासंगिक रह गया है क्या, कि कितने वोट पड़ रहे हैं उससे अंदाजा लगाना कि किसके पक्ष में ये वोटिंग हो रही होगी? देखिए 2013 में 75.5% वोट मिला तो बीजेपी की सरकार बनी, और 2018 में 74.6 मिला तो कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये ज्यादा मायने नहीं है वोटिंग किसका ज्यादा हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। और जो मुझे लगता है 75 से 78% के बीच में वोटिंग रहेगा इस बार राजस्थान का। अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, अभय जी हमारा बढ़िया परिचय है हमारा, वो कह रहे हैं बीजेपी पोलराइजेशन कराती है। ये तो सच बात है, पोलराइजेशन कराती है, लेकिन क्या कांग्रेस को और हम लोगों को सोच के निर्णय लेना चाहिए पोलराइजेशन से कैसे? मन के साथ मन को जगाओ, V-Guard वाटर हीटर्स के संग V-Guard बच्चे। हाँ, एक बात पक्की है कि पिछले दिनों यात्राएं जो राहुल गांधी ने करी, राहुल गांधी का देश में कद बढ़ा था और उम्मीद हो गई थी टक्कर होगी, लेकिन दलितों में हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, उसका नुकसान हुआ। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ने बनाया, पिछड़े वर्ग से था, उनका चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा, इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। और जो रही सही कसर थी वो पनौती कह करके एक मैसेज खराब हो गया। पनौती का शब्द का अर्थ भी पता नहीं है। 2014 में मैं चुनाव लड़ा एमपी का, मैं हार गया तो बीजेपी मेरे लिए पनौती थी। 2019 में मैं चुनाव लड़ा, मैं जीत गया तो मैं कांग्रेस बीजेपी के लिए पनौती था। तो अब ये पनौती है प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को कैसे पता? क्योंकि वो पहले कई बार उनके लिए पनौती सिद्ध हो चुके और वो चुनाव हार चुके। तो ऐसी चीज आज देश में अगर कोई कही जाए तो कांग्रेस ट्रैप में आ जाती है। बीजेपी इस तरह की गुगली फेंकती है कि इनके मुंह से कहलवा देती है पार्लियामेंट में भी और चुनाव के समय में भी, और उसका फिर इस तरह प्रचार होता है टेलीविजनों पे भी और हर जगह मार्केटिंग होती है कि उसका चुनाव के समय पे नुकसान होता है, ट्रैप में फंस जाती है कांग्रेस। ये कहो कि कांग्रेस बी टीम हो जाती है बीजेपी की और बीजेपी को जिताने के लिए। जहां तक बात राजस्थान की है, हम पहले भी कह चुके, समाजवादी की भी, आरएलडी की भी, हमारी भी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी की, इतनी सीटें आएंगी बढ़ करके कि हम सबके बगैर ना बीजेपी की सरकार बनेगी ना कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोनों लोग खुश ना हो, क्योंकि बीजेपी से भी खुश नहीं है पिछड़े भी और दलित भी। ये उनके लिए कहते रहते थे, आज सरकार है भारत सरकार में, इनकी उतना कर नहीं पाए जो इनसे उम्मीदें थी। अब मलूकनागर साहब मुझे ये बताइए, आपने कह तो दिया आपकी एसपी आरएलडी और बेनीवाल की इतनी सीटें आ जाएंगी कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, अब समाजवादी पार्टी तो बीजेपी के साथ जाएगी नहीं किसी भी कीमत पर, इसका मतलब हम ये मान लें कि आप बीजेपी को सपोर्ट दे सकते हैं या आरएलडी दे सकती है या बेनीवाल दे सकते हैं? नहीं, देखिए मानक जी अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। हमने 10 साल बगैर शर्त के कांग्रेस को सपोर्ट करा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, सपोर्ट करा, डाका डाल के ले गए, मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, डाका डाल के ले गए, अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी हमारे बगैर कुछ नहीं है, और वहां अखिलेश 6.5 करोड़ वोट मिली है अखिलेश जी को, 13.5% वोट हमारा, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इन्हें एहसास जरूर दिलाएंगे हमारे बगैर तुम करके देखो प्रदेश में किसी के में भी, और उत्तर प्रदेश हमारे बगैर तुम लड़ के देखो। राहुल गांधी जी हार गए, अगर हम चुनाव लड़ा देते एसपी आरएलडी और बीएसपी तो सोनिया गांधी जी भी हारती, तो जिसका उत्तर प्रदेश होगा देश उसका होगा। लेकिन यूपी से पहले एमपी का तो बता दीजिए मलूकनागर साहब, दोनों को टारगेट पे ले रहे हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस को। आपकी अगर इतनी सीटें आ गई कि आप किंग मेकर बन गए तो किस तरफ जाएंगे ये तो बताइए, किस तरफ जाएंगे? आपके टेलीविजन के न्यूज 18 कंपटीटर है, आज तक कंपटीटर है, तो आप दोनों को टारगेट पे नहीं लोगे? यह देश हमारा सबसे पहले है, देश के लोग सबसे पहले हैं। अगर कहीं कभी सरकार की रहती है तो क्यों ना निकाले? विपक्ष अगर खुद सरकार को मजबूत कर रहा है गलतियां करके तो क्यों ना कमी निकाले?
आप बिल्कुल कमियां निकालिए, लेकिन जब किंग मेकर बनेंगे तो सरकार किसकी बनवाएंगे ये तो बताइए। जैसे मैंने कहा, सुनील साजन की पार्टी तो नहीं जाएगी बीजेपी के साथ। ये अधिकार कुमारी बहन मायावती जी को है, हमारी पार्टी में अनुशासित पार्टी है, ये कुमारी बहन मायावती जी सोच के निर्णय लेंगी, वो हम सबको मान्य होगा और सब उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे जो भी वो निर्णय लेंगे। बहुत बढ़िया। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी कार्ड।